संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमंत बलबीरा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसे कि आज हम सब हनुमान महोत्सव धूमधाम से मना रहे हैं, तो उसी के साथ मैं आपको एक छोटे छोटे से टिप्स भी बताना चाहूँगी जो कि मुझे नॉलेज है और वो मैं भी फॉलो करती हूँ। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि ये जो हमारा सफ़ेद आँख है, ये हनुमान जी को बहुत ही प्रिय है। आपको इसके अगर फूल मिले तो फूलों की माला, नहीं तो आपको अगर सब सिद्धि कामना के लिए कुछ आप चाहते हो और वो काम रुक रहा है, तो इसके 108 पत्तों की माला पे राम राम लिख करके हनुमान जी को पहनाइएगा और चमत्कार देखिएगा। ये छोटा सा उपाय है, एक तो आप इसको कर सकते हैं। और अगर आपको 108 पत्ते या फूल नहीं मिल रहे हैं तो आप एक ही पत्ते पे छोटे छोटे अक्षरों में 108 बार राम राम भी लिख सकते हैं। एक तो आपका ये वाला उपाय रहा। दूसरा उपाय है कि हनुमान जी को पान का बीड़ा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप पान का बीड़ा भी अर्पण कर सकते हैं। और नहीं तो आप एक पान के पत्ते पे गुड़ और भुना हुआ चना लिख करके हनुमान जी के सामने हाथ जोड़ के समर्पण करें, तो वो भी उन्हें बहुत प्रिय है। इससे आप देखेंगे कि आपके सारे काम जो हैं वो आराम से बंदे चले जाएंगे। इसलिए छोटा छोटा सा उपाय है, इसको हम आराम से कर भी सकते हैं। तो आप पान का उपाय भी कर सकते हैं, और वो तो सबको पता ही है। इनके हनुमान चालीसा हम अगर पढ़ें उनके सामने बैठ के पान चढ़ा करके, और उसमें घी या तेल जिसका भी हमारे पे पास अवेलेबल है वो वाला दीपक जलाएं, और चमेली का तेल मिल जाए तो सबसे बेस्ट है। तो भाई छोटे छोटे से 2-3 उपाय अगर हम आज करते हैं तो देखते हैं कि जीवन में कितना ज़्यादा परिवर्तन होगा। वैसे मुझे कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पर जितना मुझे मालूम है तो मेरा दिमाग में यही रहता है कि ये सबको ही पता चलना चाहिए, क्योंकि परोपकार परमो धर्म, जो हमें नॉलेज है जिससे हमें फ़ायदा मिलता है वो दूसरों को भी मिले। इसी भावना के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपको हनुमान जन्म उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। फिर किसी जानकारी के वीडियो के साथ आपसे मिलती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो कृपया लाइक शेयर करें, और शेयर करना ना भूलें जिससे ये फ़ायदा सभी उठा सकें।